सब्सक्राइब कीजिए रेसिपी वॉल्ट चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट अपलोड देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम और रेसिपी वॉल्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके लिए ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आती रहती हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चिकन कोरमा। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो चलिए इसके लिए क्या करना है सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहले जो हमें ब्राउन ऑनियन बनानी है, इसके लिए प्याज को तलना है। तो प्याज बिल्कुल एकदम परफेक्ट तलें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्याज को एक तो बिल्कुल बराबर काटना होगा और उनको आपस में से अलग कर लीजिए, चिपकी हुई ना रहें। और दूसरे आपको ऑयल काफ़ी सारा लेना होगा, चाहे उस ऑयल को आप बाद में निकाल सकते हैं, वो ऑयल बाद में भी काम आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आधा किलो चिकन लिया है, उसके लिए मैंने आधा किलो प्याज लिया है। ये प्याज मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी तल रही हूँ, आधा किलो चिकन में आप 250 ग्राम प्याज डालिए अगर आप कम मसाला चाहते हैं। तो ये देखिए मैंने प्याज बिल्कुल बराबर काट लिए हैं, अब इनको इस तरह से अलग कर लीजिए थोड़ा। और ऑयल ले लीजिए, ऑयल मैंने 1 कप के करीब लिया है। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, इस ऑयल को आप बाद में यूज़ कर सकते हैं बिरयानी और कोरमे में ही। तो जितना थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेंगे तो अच्छे से प्याज क्रंची होकर बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई होगी। तो ऑयल लेने में थोड़ी कंजूसी ना करें। तो ऑयल गर्म होने देते हैं, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तभी हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। ये देखिए मैंने प्याज डाल दिए हैं और इनको फुल फ्लेम के ऊपर आपको फ्राई करना है। लो फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई ना करें, वरना अगर ज़्यादा प्याज हुई तो ये फिर इसके अंदर घुल जाएंगी। फ्लेम को हाई कर देते हैं और प्याज को फ्राई करते रहते हैं। इनको लगातार आपको चलाते रहना है, रुकना नहीं है, वरना ये एक साइड से नीचे से जल जाएंगी और ऊपर से जो है वो कच्ची रह जाएंगी। तो इस तरह से अलग करके इनको फ्राई करते रहिए। दोस्तों कोरमा बनाने में सबसे ज़्यादा ट्रिकी जो काम होता है वो प्याज फ्राई करने का ही होता है। तो इसको आप ध्यान से फ्राई कीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करने से ये आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इसे फ्राई करने के लिए। शुरू में हो सकता है कि ये अच्छे से फ्राई ना हो, कोई प्याज जल जाए, कोई प्याज कच्ची रह जाए, लेकिन कोई बात नहीं है, उससे प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है। आधा किलो प्याज फ्राई करने में 10 मिनट का समय लगेगा इसमें ज़रूर। वैसे समय तो फ्लेम और ऑयल पर भी डिपेंड करता है, कितना ऑयल आपने लिया और कितनी फ्लेम आपने कर रखी है। तो इससे कोई मैटर नहीं है कितना टाइम लगेगा, बस आपको इसे फ्राई करना है गोल्डन होने तक। देखिए दोस्तों, अगर आप चिकन कोरमा बना रहे हैं और उसमें ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो प्याज आप ज़्यादा लीजिए। मैंने आधा किलो चिकन के लिए 250 ग्राम प्याज लिए हैं, आप 300 ग्राम ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही फिर आपको दही थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्याज की स्वीटनेस को जो है कंट्रोल करने के लिए दही का इस्तेमाल होता है कोरमे में। तो आप थोड़ी दही ज़्यादा ले लीजिए फिर। अभी मैंने दही 200 ग्राम लिए है, आधा किलो चिकन है और 250 ग्राम प्याज है। तो इनको इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए थोड़े हल्के गोल्डन होने लगे हैं, तो इनको जल्दी जल्दी चलाते जाइए, बिल्कुल रुकना नहीं है आपको, इनको चलाते जाइए। और इस तरह गोल्डन होने के बाद गैस को ऑफ़ कर दीजिए। इसके अंदर कैरी ओवर कुकिंग बहुत ज़्यादा होती है और तेल भी गर्म है, तो इसको निकालते निकालते ही ये लाल हो जाएगी। तो काली ना हो इससे पहले ही आपको इसे निकाल देना है। तो ये देखिए मैंने इसे गोल्डन कर लिया, अब मैं इसको निकाल दूँगी। हो सके तो आप इसको अच्छी तरह से निचोड़ कर निकालने की कोशिश कीजिए। निचोड़ कर यदि आप निकाल देंगे तो फिर इसमें जो है वो बिल्कुल क्रंचीपन आ जाएगा ऑयल प्याज के अंदर। ये देखिए इस तरह से तेल को झाड़ दीजिए, या तो आप इसको छन्नी में निकाल कर प्रेस भी कर सकते हैं। मैं इसी तरह से निकाल लेती हूँ इनको। सारी प्याज मैंने निकाल ली है। अब जो दूसरा काम हमें करना है वो चिकन पकाना है। और ये देखिए ये मैंने प्याज ले लिए हैं, ये देखिए बिल्कुल मैंने एक एक इनको प्याज को अलग कर लिया है, तो ये बिल्कुल क्रंची हो गई हैं, आप साउंड भी सुन सकते हैं इनकी। देखिए अब इनको आप हाथ से भी तोड़ेंगे तो एकदम से टूट जाएंगी। इसी तरह की हमें प्याज बनानी होती है कोरमे और बिरयानी के लिए। कोरमा हम उसी तेल में बनाएंगे जिसमें हमने प्याज फ्राई किया है, क्योंकि उसके अंदर प्याज की बहुत अच्छी स्मेल हो जाती है। तो अलग तेल आप ना लें, उसी तेल में से कोरमा बनाएं। तो ये मैंने थोड़ी सी प्याज निकाल ली है अलग से, और बाकी प्याज को मैं इसमें पीस लूँगी जार में। तो सबसे पहले आप प्याज को ही पीस कर रख दीजिए, यदि इनके अंदर नमी आ गई तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगी प्याज।
और हाँ, यदि आपसे सॉफ्ट प्याज बन गई हैं, क्रंची नहीं बनी है, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और इसका पेस्ट बना लीजिए। मैं तो इसका पाउडर ही बना लूँगी क्योंकि बहुत क्रंची हैं ये। तो सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, अब बनाते हैं कोरमा। ये देखिए, प्याज को मैंने पीस लिया है, तो ये बिल्कुल इसमें बारीक हो गई है। एक बार ब्लेंडर चलाते ही ये बिल्कुल बारीक हो गई थी। यदि आपकी प्याज करारी नहीं बनती हैं तो आप उन्हें पानी डालकर पीस सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो इसके लिए जो मैंने सामान लिया वो देख लेते हैं। आधा किलो चिकन, 250 200 ग्राम दही, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, तेज पत्ते, नमक, गरम मसाला ले लिया है थोड़ा, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, और ये मेरा स्पेशल बिरयानी वाला मसाला, बिरयानी और कोरमे का मसाला, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और ये मेरे चैनल पर मौजूद है। काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं कोरमा बनाना। सारी तैयारियां हमने कर ली हैं, क्योंकि ये देखिए वही कढ़ाई है जिसमें मैंने प्याज तली थी। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम ऑयल थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयल है। क्योंकि ऑयल आप हमेशा कोरमा बनाते में कम ही रखें, क्योंकि प्याज जो आप ये पीसी हैं आपने, इनको जब इसके अंदर आप मिक्स करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल छोड़ देती हैं। तो मैंने आधे से ज़्यादा तेल निकाल लिया है, अब कोरमा स्टार्ट कर देते हैं। गैस को कर लिया है ऑन। अब इसमें पहले सारे सूखे मसाले डाल देते हैं। 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर, 4-5 काली मिर्च डाल दी हैं, 2-3 लौंग डाल दिए हैं, 2 बड़ी इलायची डाली हैं, और अब चिकन डाल देंगे इसके अंदर। सारे मसाले आप पहले डाल लीजिए, दही सबसे बाद में डालिए, क्योंकि दही डालते ही आपको ये चलाना पड़ेगा। तो मैंने एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लिया इसके अंदर। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च डालेंगे, आप इसमें थोड़ी ज़्यादा लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्याज हम डालते हैं तो उससे स्वीटनेस आ जाती है थोड़ी, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्याज और दही और लाल मिर्च डाल सकते हैं, और वैसे भी थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है ये। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है मैंने, और अब मैं डालूंगी दही, और दही डालते ही इसको चलाते जाना है। दही को आपको अच्छी तरह फेंट कर यूज़ करना है, एक उबाल आने तक ज़रूर इसको चलाइए, वरना दही के बिल्कुल दही कर्डल हो जाएगी और पनीर जैसी दिखने लगेगी। तो एक बॉईल आने तक इसको चलाते रहिए लगातार, तेज फ्लेम पर आप ये काम कर लीजिए। अब मैंने एक उबाल आने तक दही को पकाया और इसको गैस को धीमा करके इसको ढक दिया है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में कोरमा बना रहे हैं तो गैस को तेज़ रखिए, और यदि आप बहुत कम मात्रा में कोरमा बना रहे हैं तो गैस को धीमा करके पकाइए, क्योंकि इसमें भी एक ट्रिक है। यदि आप तेज़ गैस पर कम कोरमा पकाएंगे तो जो चिकन है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, और यदि आप ज़्यादा मात्रा में धीमी गैस पर पकाएंगे तो सारा चिकन गलकर उसी के अंदर बिखर जाएगा। तो ये थोड़ी ट्रिक होती है खाना पकाने की। क्योंकि मैंने आधा किलो चिकन लिया है, इसलिए इसमें इसको मैं ढककर पका रही हूँ। आप ज़्यादा अगर चिकन ले रहे हैं तो फुल फ्लेम पर और बिना ढक्कन लगाए कुक कीजिए। और बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं, यदि मान लीजिए 3 किलो 4 किलो इस तरह से चिकन कोरमा बना रहे हैं, तो मसाले को पहले अलग से भून लीजिए, तब उसके अंदर चिकन डालिए, और चिकन को फिर मसाले के साथ दोबारा भूनिए, तो ना तो आपका चिकन टूटेगा और ना ही उस कच्चा रहेगा। ये देखिए, मसाला थोड़ा गाढ़ा हो गया है, भुनने लगा है ये थोड़ा थोड़ा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही होती हैं जो खाने को अच्छा या बुरा बना देती हैं, तो आप इनको ध्यान रखिए ट्रिक्स को। वैसे भी मैं हर अपनी रेसिपी में कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर बताती हूँ, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, अच्छी रेसिपी बने इसलिए। बहुत कम मात्रा में यदि आप कोरमा बना रहे हैं, जैसे 250 ग्राम का कोरमा बना रहे हैं, तो आप उसे कुकर में बना सकते हैं, और मसाला भूनने के बाद उसमें हल्का सा पानी डालकर 1 सीटी ले लीजिए, और उसके बाद उसमें प्याज मिलाइए, तो इससे चिकन जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो मेरी बातों को आप ज़रूर ध्यान से सुनिए और ध्यान रखिए इनका।
ये देखिए मसाला भुनने लगा है, अब साइड में झाग आने लग जाए तो समझ लीजिए मसाला थोड़ा भुनने लगा है। बिल्कुल देखिए मसाला बिल्कुल फट गया है और तेल भी इसने छोड़ दिया है। तो इसी स्टेज पर अब हमें प्याज डालने का टाइम आ गया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि चिकन अभी कच्चा है तो इसमें आधा गिलास पानी डालकर थोड़ी देर कुक कर लीजिए इसको, फिर आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ये देखिए झाग आ गए हैं बिल्कुल। ये जब बबल बनने लगे ऑयल के अंदर तो समझ जाइए कि ये कुक हो गया है। चलिए अब प्याज डालने का टाइम आ गया है। तो ये जो मैंने पीसी थी सारी प्याज मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं जार में से निकाल कर, और जार में थोड़ा पानी डालकर, वो पानी भी मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। पानी मैंने 1 कप लिया है बस, क्योंकि कोरमे की जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी गाढ़ी होती है बहुत। ये 1 कप मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए पहले। प्याज को अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स करना है आपको, क्योंकि ये थोड़ी गांठ बनी हुई रह जाती है वरना इसके अंदर। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला डाला है मैंने, और ये मेरा स्पेशल बिरयानी मसाला, ये भी आधा चम्मच डाल देते हैं। आप एक बार इस मसाले को बनाकर देखिए और फिर जो कोरमा और बिरयानी आप बनाएंगे उसका स्वाद ही अलग होगा। एक बार ज़रूर इस मसाले को ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने 2-3 बूंद केवड़ा डाला है। बिरयानी और कोरमे में जो लखनवी बिरयानी और कोरमा बनता है उसमें केवड़ा ज़रूर डलता है, तो ये मैंने 2 बूंद केवड़ा डाला। बहुत ही कम डालिए इसको केवड़े को, वरना इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और वो खाने को ख़राब भी कर सकती है। तो बिल्कुल धीमी आग पर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, जिससे कि प्याज अब फूल जाए अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको नान या रुमाली रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सर्व कर देते हैं। ये रेसिपी ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नान या रुमाली रोटी के साथ इसको नौश फरमाइए और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू।